ये कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन से होगी आमदनी, क्यों होगी? पहले इस पॉइंट को मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। देखिए, क्रूड ऊपर गया है, इन्होंने उसको प्रोसेस किया और बेचा, तमाम प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़िया और एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही अच्छा था, तो मार्जिन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए रिफाइनिंग के। और आप दुनिया भर में सुन रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, ऑयल कंपनीज ने कमाए हैं, तो बिल्कुल रिलायंस को उसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन आय में भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सभी कंपनीज मैक्सिमम जो अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही, तो दूसरी चीज़ वो है। तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो नॉन एनर्जी बिजनेस है, यानी जो रिटेल का बिजनेस है और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जियो का बिजनेस है, वहाँ से भी इनको गजब के प्रॉफिट होंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आपने इनके रिजल्ट के एनालिसिस जब हम लोग करें तो देखा होगा तो रिटेल के बहुत आउटलेट्स खुले, इन्होंने फुटफॉल बढ़ा और ऑनलाइन से ज़बरदस्त इनको गेन हुआ। तो जो नॉन एनर्जी बिजनेस है जियो का, उससे भी गेन हो रहा है। और जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आप देखेंगे तो जनवरी में जब टैरिफ हाइक इन्होंने दो तीन बार ली है, उसका फुल इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में दिखेगा। इसलिए जब भी मॉर्गन कह रहा है कि नॉन एनर्जी का जो इनकम है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखेगी। तो अब ये जो क्रूड ऑयल की वजह से हुआ, ये तो विंडफॉल है, तो इसमें तो हो ही रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, तो जो तीनों वर्टिकल है बिजनेस है, जबरदस्त गेन है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनका लक्ष्य बढ़ा के 3170 कर दिया गया है।